हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर और फिफ्थ क्लास। हमने यहाँ तक एक्सरसाइज कर ली थी और हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में रीड कर रहे थे, ठीक है, कि किस प्रकार जब एक ही लेटर से, सेम लेटर से जो वर्ड्स हैं दिए होते हैं हमें, देन वी सी द सेकेंड लेटर ऑफ दैट वर्ड्स। तो उसी प्रकार हमने सेकेंड लेटर देख के, ठीक है, ये एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। सो हाँ जी, इस एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। सी एक्सरसाइज, राइट द ओलंपिक गेम्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये ओलंपिक गेम्स के नेम हैं। अब इन गेम्स के नेम्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करेंगे, तो हमें सबसे पहले, हम कंफ्यूज ना हो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इन वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर हैं वो हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, या फिर अंडरलाइन कर लो, या फिर अलग से राइट कर लो। आप नोटबुक में राइट कर रहे हो तो आप अलग से इनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर को सभी को राइट करो। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए कर रही हूँ मैं। एस बी डब्लू टी बी एंड वाई, ठीक है, और इधर सी जे एच एस ए डब, ठीक है। इस प्रकार जो इनके जो नेम्स हैं हमने, ठीक है, इन वर्ड्स के हमने फर्स्ट लेटर लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि इनमें से हम आप देख सकें कि कौन सा लेटर, जो हमारे इंग्लिश के जो लेटर्स हैं 26 लेटर्स हैं, उनमें कौन सा पहले आता है, तो वो वर्ड हम पहले रख देंगे, ठीक है। और कौन से जिनका लेटर्स, कौन से जो वर्ड हैं जिनका लेटर फर्स्ट सेम आ रहा है, उनमें से कौन सा लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार अब देखो, फर्स्ट देखेंगे हम देखेंगे इनमें से कौन सा लेटर पहले आता है। टी बी एफ वाई, बी बाद में आएगा, देखते हैं अब और कुछ क्या है। सी जे एच एस ए डब्ल्यू, अब ए सबसे पहले, ए लेटर आता है, हमें इसे एक नंबर पे लिखना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया ए, जो ए से स्टार्ट हो रहा है वो एक ही वर्ड है यहाँ पे, तो वो एथलेटिक्स है, तो हम एथलेटिक्स फर्स्ट राइट करेंगे, तो हमने एथलेटिक्स राइट किया है। और सेकंड देखेंगे हम बी से जो शुरू हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स बी भी है ये रहा, तो सेकंड बी से स्टार्ट होने वाला हम लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे जो कि है, अगर सी वाला है तो सी वाला देखेंगे, देखो बी वाले जो हैं वो दो हैं, ठीक है, एक तो है बैडमिंटन। पहले तो इस प्रकार आप लेटर्स लिख लोगे, अब मुझे समझाना है तो मैंने रिमूव कर दिए हैं, ठीक है, बी वाले समझ रहे हैं। अब हम बी से स्टार्ट होने वाले दो हैं, ठीक है, एक तो बैडमिंटन है और एक है बॉक्सिंग, ठीक है। तो जब बी से स्टार्ट होने वाले दो वर्ड्स आ गए, ठीक है, हमारे पास जिनका फर्स्ट लेटर सेम है, तो अब जिनका फर्स्ट लेटर सेम होता है तो हम उसका सेकंड लेटर देखते हैं, तो बॉक्सिंग का सेकंड लेटर ओ है और बैडमिंटन का ए है, ठीक है। तो अब हमें देखना है सेकंड लेटर जो है ए और ओ, इनमें से कौन सा पहले आता है, जो पहले आता है वो वर्ड हम पहले लिख देंगे और बाद वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो बैडमिंटन लिखेंगे क्योंकि ए पहले आता है, वैसे तो बी है बट बी और बी वाले में हम सेकंड लेटर देख रहे हैं, ठीक है, तो ओ बाद में आता है, तो ओ बॉक्सिंग बाद में लिख देंगे। तो फिर हमने बैडमिंटन सेकंड नंबर पे और बॉक्सिंग थर्ड नंबर पे राइट किया। फिर उसके बाद में देखो, सी से स्टार्ट होने वाला हमारा एक ही वर्ड है साइकिलिंग, तो साइकिलिंग यहाँ पे आ जाएगा। डी से कोई भी नहीं है, ठीक है, उससे बाद डी ई से भी नहीं है, तो उसके बाद जो है वो एच से है, तो एच से स्टार्ट होने वाला भी वन वर्ड है, ठीक है, एक ही है, एच लेटर से स्टार्ट होने वाला एक ही है, तो हॉकी आ गया। फिर जूडो आ गया, ठीक है, फिर सेलिंग और स्विमिंग, फिर देखो एस और एस दो बार आ गया, जैसे एस लेटर से स्टार्ट होने वाले मतलब वर्ड्स हैं जो दो हैं यहाँ पे, एक तो सेलिंग है और एक स्विमिंग है,
तो जब आपको मैंने अभी बताया है, पहले भी बताया था, जब हमारा फर्स्ट लेटर सेम होता है, जैसे एस और एस इसमें सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा सेकंड लेटर देखते हैं। इसका सेकंड लेटर ए और इसका डब्लू है, तो डब्लू और ए में से जो पहले आता है, ठीक है, वो लेटर हम पहले लिख देंगे। तो सेलिंग पहले आता है तो हमने सेलिंग पहले लिख दिया और स्विमिंग बाद में राइट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में लेटर कौन सा आता है, टेनिस आता है तो हमने टेनिस लिख दिया। फिर देखो रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग दो वर्ड हैं डब्ल्यू से शुरू होने वाले, ये सेम। फिर वही बात आ गई कि एक ही लेटर से दो वर्ड शुरू हो रहे हैं, सेम लेटर है डब्ल्यू और डब्ल्यू, तो हम इनका सेकंड लेटर देखेंगे। एक तो ई है और एक आर है, तो पहले ई आता है तो हम पहले रेसलिंग सॉरी पहले ई आता है तो हम वेट लिफ्टिंग लिख देंगे और फिर रेसलिंग लिखेंगे, और लास्ट में हमारा आ जाएगा ये टी। तो इस प्रकार हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को राइट करना है। तो इसी प्रकार हमें डी एक्सरसाइज राइट करनी है। राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मंथ्स के नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखने हैं। देखो वैसे तो ये अकॉर्डिंग टू मंथ्स जैसे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, वैसे लगे हुए हैं, बट हमें इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगानी है, ठीक है। सबसे पहले देखो इनमें से जैसे फर्स्ट लेटर देख लो, ए है इसका, ठीक है, ए। तो सबसे पहले हमारे जो लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के, उनमें सबसे पहले ए आता है तो हम अप्रैल लिखेंगे, क्योंकि हम क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है अप्रैल मंथ पहले आता है, जनवरी पहले आता है, ठीक है। और उसमें देखो दो हैं, अगस्त और अप्रैल, तो अगस्त और अप्रैल में से हम कौन सा पहले लिखेंगे, क्योंकि देखो फिर हमने सेकेंड लेटर देखा, इसका क्या है पी है और इसका यू है, तो पी पहले आता है या यू, तो पी पहले आता है इसलिए हमने अप्रैल पहले लिखा लिखा और यू वाला अगस्त जो सेकंड नंबर पे लिखा। फिर देखो उसके बाद में ए के बाद में बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, तो दिसंबर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में एफ फेब्रवरी, और उसके बाद में जे जनवरी, फिर जनवरी जे से दो जे से स्टार्ट होने वाले थ्री वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो जून जुलाई और जनवरी, अब सबसे पहले हमें पता चल रहा है क्या आएगा, जनवरी आएगा, ठीक है, क्योंकि ए है सेकंड लेटर इसका ए है और ए सबसे पहले आता है, हम विदाउट कंफ्यूजन जनवरी लिख देंगे। बट इसमें देखो इसमें सेकंड लेटर भी सेम है, सेकंड लेटर भी यू है जून में भी और जुलाई में भी, और जिसमें सेकंड लेटर भी सेम होता है उसमें हम थर्ड लेटर देख लेते हैं। थर्ड लेटर इसका जो है, एक का एन है और एक का एल है, तो अब एन पहले आता है या एल पहले आता है, तो जो पहले आता है हम वो लिख देंगे, तो एल पहले आता है तो हमने जुलाई लिख दिया, फिर जून लिख दिया। उसके बाद में मार्च आ जाएगा, मार्च और मई में उसी प्रकार हमने क्या देखा है, देखो जो मार्च और मई ये भी क्या एम से स्टार्ट होने हो रहे हैं, मई और मार्च, इनका सेकंड लेटर सेम है एम, इसमें भी एम ए, ठीक है। तो हमें थर्ड लेटर देखना आर है और इसमें वाई है, तो अब वाई पहले आता है या आर पहले आता है, अगर आर पहले आता है तो आर वाला लिख देंगे, वाई पहले आता है तो वाई वाला लिख देंगे। तो ऑफकोर्स आर वाला, आर पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे, मार्च लिखेंगे और मई बाद में लिखेंगे। फिर देखो नवंबर, ठीक है, फिर अक्टूबर और फिर सितंबर, ये हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो गए, ठीक है, ये मंथ हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके बाद में देखो अब हम इनके जो नेम है एनिमल्स के, वाटर एनिमल्स के नेम है, वो भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है इसमें, देखो पहली नेम्स लिख लिया, जैसे आपको कंफ्यूजन हो तो आप फर्स्ट लेटर राइट कर सकते हैं, एस डी एस ओ जे एस एल और एफ।
अब सबसे पहले जो लेटर है आ रहा है हमारा, अब इनमें से हमें देखना है, एस पहले आता है, डी पहले आता है, एस ओ एफ एल एस आई जे, तो इनमें से जो लेटर पहले आता है वो जो एनिमल नेम है हम पहले लिख देंगे। तो डॉल्फिन आ रहा है, ठीक है। डी जो लेटर से स्टार्ट होने वाला और कोई एनिमल एनिमल का नेम नहीं है, इसलिए हम कोई कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, तो हम डॉल्फिन लिख देंगे। तो उसके बाद में क्या है, एफ आ रहा है तो फिश लिख देंगे। उसके बाद में जे आता है तो जेली फिश लिख देंगे, और उसके बाद में एल लॉबस्टर लिख देंगे। देन ऑक्टोपस, फिर सी, एस से शुरू होने वाले क्या हैं, दो हैं, शार्क है और सी शोर है। अब ई पहले आता है या एच पहले आता है? ई पहले आता है, इसलिए सी हॉर्स लिख दिया, और फिर शार्क लिख दिया, और फिर लास्ट में आ गया स्टार फिश, क्योंकि टी भी क्या है लास्ट में आता है। हमने सेकंड वर्ड देखी है, एस वाले तीन थे हमारे, तो एक का तो ई था सेकंड लेटर, और एक का सेकंड लेटर एच था, और एक का टी था। पहले ई आता है तो हमने सी हॉर्स लिख दिया, फिर एच आता है तो हमने शार्क लिख दिया, और बाद में टी आता है लास्ट में तो हमने स्टार फिश लिख दिया। ये हमने हमारा जो चैप्टर है बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, तो फिफ्थ क्लास का कंप्लीट कर लिया है। आप इसे घर पे देखो, आपके जो फैमिली मेम्बर्स के नेम हैं वो राइट करो, ठीक है, वो अपनी नोटबुक में राइट करो, फिर उसे सीक्वेंस वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगा के देखो, ठीक है। जिसमें कंफ्यूजन है आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है, उस पे को आप मतलब मुझे सेंड कर दो, अगर सेंड करना चाहते हो आंसर, ठीक है, अदरवाइज आप खुद प्रैक्टिस कर लो, थैंक यू। और जिनके पास बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसकी बुक ले रखी है, वही ये जो एक्सरसाइज है मैंने वीडियो में सारी बताई हुई है, तो वो इसमें वर्क कंप्लीट कर लिया, बुक में बुक वर्क कर लिया।